आपके निवेदन से काम नहीं चलेगा, आप न्यायालय में। सर गलती तो हुई है सर। अरे आप गलती तो ठीक है ना, मान रहा हूँ आपको वकीलों पे विश्वास बचा नहीं, इसलिए मैं सरकार की तरफ से फ्री में भी वकील ना दिला पाऊंगा, क्योंकि जो भी आपने बोला। मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया सर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ तबाह हो गया सर। झूठा मामला, झूठा चालान, सबको झूठी कहाई जी। खाकी वर्दी मिली है सर, समाज की रक्षा के लिए पिस्टल मिली हुई है। मेरा मानना है सर ये इंटरनेशनल गांजे के तस्कर हैं सर। ये पुलिस वाले जितने हैं इंटरनेशनल गांजे के तस्कर हैं सर। ये जी सर, महोदय जी 8/4/2007 को कटनी पुलिस द्वारा झूठा मामला कायम किया गया था सर। इसके ऊपर सर उसमें तीन पुलिस की कहानी इस तरह है कि मुखबर की सूचना के आधार पर मुख्य वारदात में पार्टी बना के मौके वारदात पे सुरखी टैंक पे गए। FIR की काफी है सर। तो किसके खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा? वो शिव दत्त पटेल, राजू सैनी, मुरारी लाल शर्मा सर। FIR को चैलेंज किया आपने? आपने नहीं सर, वो ट्रायल कोर्ट से डिसाइड हुआ सर, मामला डिसाइड हो गया। वो उसमें क्या हुआ? वो दोष मुक्त किया गया सर। आप लोगों को दोष मुक्त कर दिया। अब आपके ये क्या केस है सर? सर फिर इसके बाद वो सक्षम न्यायालय में यहाँ आते हैं सर, हाई कोर्ट, जिसका आदेश काफी लगी हुई है। आप इसमें चाहते क्या हो सर? ये उक्त मामले से अपना परोक्ष रूप से ना अपरोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं चाहते क्या हो सर? मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया सर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ तबाह हो गया सर। झूठा मामला, झूठा चालान, सबको झूठी कहाई। खाकी वर्दी मिली है सर, समाज की रक्षा के लिए पिस्टल मिली हुई है। मेरा मानना है सर ये इंटरनेशनल गांजे के तस्कर हैं सर। ये पुलिस वाले जितने हैं इंटरनेशनल गांजे के तस्कर हैं सर ये। और ये बात मैंने ट्रायल कोर्ट में देखिए वो सब ठीक है, कल को अगर आपको ये सिद्ध करना पड़ गया, आपके पास एविडेंस है जो आप कह रहे हो? मैंने ट्रायल कोर्ट में दिया। आप कह रहे हो उसका एविडेंस है आपके पास? नहीं एविडेंस नहीं है, मेरा मानना है सर। आपके मानने से किसी का भी छीछा लेदर इज्जत के ऊपर कीचड़ उछालना कानून की परिधि में आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम, ये आपको देखना है जी। ठीक है जी। हाँ आपका जो निर्णय हुए थे जी वो नकल कौन कौन सी है? निर्णय की कॉपी लगी है सर, एक केस से लेके 35 तक पेज। हाँ हाँ केस से 35 तक सर जी जी जी। ट्रायल कोर्ट ने क्या लिखा आपकी कंप्लेंट के ऊपर? ट्रायल कोर्ट में लिखा है सर ये पेज नंबर 33 में सर देख लिया जाए, सीरियल क्रमांक 28 में सर। पेज नंबर 37, एक सेकंड, 37 सर, 37 37 ना नहीं 33 सर, 33 37 नहीं नहीं आपने कंप्लेंट फाइल की थी ना जी, उस कंप्लेंट आपकी खारिज हो गई, तो खारिज करते समय मजिस्ट्रेट साहब ने क्या लिखा है? सर वो 193-195 का हवाला देते हुए हाँ जी परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ जी और सर मैं ज्यादा इसके विषय में ज्यादा ज्ञान तो है, मैं कैसे डिसाइड करूंगा? अभी मैं कोई भी विधिक प्रश्न पूछूंगा आप कह दोगे मुझे ज्ञान नहीं है। एक सौ 197 का क्यों नहीं लगेगा? और सर ये 14-15 नंबर पेज में सर लॉग बुक लगी हुई है, आप ये बताइए नकल लगी हुई है सर, आप ये बताइए 197 और 195 ये सब क्यों नहीं लगेगा? पेज नंबर 14 और ये क्यों नहीं लगेगा? अब पहले आप मजिस्ट्रेट साहब का आदेश तो बताइए जी। गिरफ्तारी के पहले सर, गिरफ्तारी के पहले एक दिन इनका गांजा पकड़ जाता है सर। अरे आप जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो बताइए जी, मजिस्ट्रेट साहब ने क्या गलती की है ये बताइए सर। उनने 195 का हवाला देते हुए हाँ तो क्यों नहीं लगेगा सर, बस इतना बताइए कि क्यों नहीं लगेगा, लगेगा तो उसको रद्द करके वापस कर देंगे सर। मेरा सिर्फ इतना निवेदन था, आपके निवेदन से काम नहीं चलेगा, आप न्यायालय में खड़े हैं जी और आपको पता है कि आपका क्यों खारिज हुआ है, तो आपको यही बताना पड़ेगा आदेश में गलती क्या है। मैं आपके
तथ्यों के ऊपर अभी मजिस्ट्रेट ने आपके गुण दोष के ऊपर कुछ नहीं कहा है, तो मैं गुण दोष के ऊपर अभी बहस सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुण दोष को हम इतना ही सुनेंगे कि क्या 197, 195, 197 लगेगा कि नहीं लगेगा, इतना देखना है। तो उसका थोड़ा सा बताइए सर क्या है। सर ये जो अपील में आए थे केस 35 नंबर है सर, ये नहीं केस 35। क्या आप पुरानी बातें कर रहे हो सर, गलती तो हुई है सर। अरे आप गलती तो ठीक है ना, मान रहा हूँ ना, आप ये मत कहिएगा कि कोर्ट ने मान लिया है जी। हम ये साफ कह रहे हैं कि अभी मात्र 195 के ऊपर आपका खारिज हुआ है जी, तो ये क्यों गलत है, इतना पूछ रहा हूँ। ये तो अधिवक्ताओं की कमी के कारण हुआ सर, उनको तो ज्ञान होना चाहिए। अब भाई अब मैं तो अधिवक्ताओं की गलती की सजा आवेदक को तो नहीं मिलना चाहिए सर। अब मैं ये तो नहीं कुछ बोल सकता ना, इसके लिए तो बार काउंसिल है, मैं थोड़ी कुछ कह सकता हूँ। अधिवक्ता परिषद है, मैं नहीं कह सकता उस पर। जी ऐसा कुछ ऑर्डर कर दिया जाए जिससे कि ऐसा ना कर दिया जाए, बहस कीजिए ताकि मैं दोबारा भी बहस कीजिए जी। और जित डेढ़ पन्ने का मजिस्ट्रेट साहब का आदेश है और एक पन्ने का कोर्ट का आदेश है, सेशंस कोर्ट का आदेश है, उसमें क्या गलती, बस इतना बताया जाए। थोड़ा सा जल्दी करेंगे सर, उसे परमिशन नहीं लिया गया, ये गलती बताया गया। हाँ तो इसमें इस आदेश में क्या गलती है। अरे यहाँ से पढ़ने से क्या मतलब है भैया, आपको तो मालूम है, पूरा अच्छे से मालूम है क्या है, तो उसमें क्या गलती है उतना बता दीजिए ना। नोटिस वगैरह तो प्रोसीडिंग पूरी की गई है सर, और उतना कानून का ज्ञान तो है नहीं अपन। मैं क्या करूँ, आपको वकीलों पे विश्वास बचा नहीं, इसलिए मैं सरकार की तरफ से फ्री में भी वकील ना दिला पाऊंगा, क्योंकि जो भी आपने बोला है ठीक है ना, हम कहे कि एक और वकील साहब के ऊपर लांछन लगवा दें। जीतने और हारने से वकील के ज्ञान का असर नहीं पड़ता है, उसने मेहनत की कि नहीं की उससे फर्क पड़ता है, हारना पक्षकार की किस्मत के ऊपर है। आप कह रहे हैं कि वकीलों को ज्ञान नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से तो नहीं दिला पाऊंगा। नहीं मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने ये कहा कि उनकी गलती, और तो क्या है, गलती तो कह रहे हो ना, तो वकील की कानूनी प्रोसीडिंग तो उनको पूरी करना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कानूनी ज्ञान तो उनको होना चाहिए, आपका ये कहना। आवेदक ने तो आवेदन वकालत, मैं समझ रहा हूँ सर, उसके लिए आप अधिवक्ता परिषद पे जाइए सर, मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सर ऐसा कुछ लिबर्टी वगैरह दे दिया जाए, क्या लिबर्टी देते हैं, बाउंडेड रिश्ता की दोबारा हम उसको परमिशन लेके सर फिर प्रस्तुत कर सकें पुनः। चलो मैं उस एंगल से मैं देखता हूँ जी, है ना। चल